गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी वाई, 3a प्लस बी इक्वल टू 2। तो इसमें हमने चेक करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सॉल्यूशन चेक कर सॉल्यूशन में देखेंगे कि ए वन अपॉन ए टू हमारे पास 2 अपॉन ए माइनस बी है, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी है, और सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास कंडीशन लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कंडीशन है लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो फर्स्ट 2 को इक्वल रखे हम इक्वेशन बनाएंगे 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को a से और 2 को b से करेंगे 2a प्लस 2b और यहाँ पे 3a माइनस 3b। तो यहाँ पे 2a माइनस कर देंगे 3a इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस कर देंगे और उधर माइनस 3b माइनस 2b, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ए आ गया, उधर माइनस 5b, a की वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस के अंदर आ गई और हमें a के पास a इक्वल टू 5b आ गया। तो हमारे पास a की वैल्यू 5b आ गई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, चाहे इन दोनों को इक्वल करें, तो यहाँ पे हम यहाँ इन दोनों को इक्वल रखेंगे 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 7b इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6 आ गया। अब ये वाली टर्म वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पे करेंगे 7a प्लस 7b माइनस 9a, तो लेफ्ट साइड पे 9 माइनस हो जाएगा, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6, 7a में से 9a निकाल देंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा, 7b में से 3b माइनस कर देंगे प्लस का 4b आ जाएगा इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 में हमें एक की वैल्यू निकाली 5b, तो वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू 5b यहां पुट करेंगे, माइनस 2 यहां पे 5b प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6, 5 2 10 माइनस 10b प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6b इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल और b की वैल्यू 6 अपॉन 6, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो बाकी पार्ट इधर करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू 6 आई है, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, b इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास a इक्वल टू 5b है, और a इक्वल टू 5, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे और a इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करेंगे
पार्ट टू इक्वेशन है सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, टू के माइनस वन एक्स के माइनस वन वाई इक्वल टू टू के प्लस वन। तो इसमें स्टेटमेंट है फॉर विच वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशन नो सॉल्यूशन की है। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए वन अपॉन ए टू थ्री अपॉन टू के माइनस वन, फिर सेकेंड निकालेंगे बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट या वन है वन अपॉन के माइनस वन, और सी वन अपॉन सी टू है वन अपॉन टू के प्लस वन। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास होती है फॉर नो सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे टर्म को थ्री अपॉन टू के माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टू के नॉट इक्वल टू टू के प्लस वन। अब k की वैल्यू फाइंड करनी तो हम यही से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को इक्वल रखते हैं थ्री अपॉन टू के माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन के प्लस वन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री दोनों से मल्टीप्लाई वेदर थ्री के प्लस थ्री इक्वल टू वन भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो टू के माइनस वन ही आ जाएगा। थ्री के टू के इधर आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री और